हेलो एवरीवन, मैं अपने चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। ठीक है, आज अपन डिस्कस करेंगे कोशिका और कोशिका के अंग के बारे में। ठीक है, कोशिका जिसको हम लोग सेल कहते हैं, कोशिका अंग से ऑर्गेनेल्स। ठीक है, ओवरव्यू विषय विज्ञान है। ऑब्वियसली विषय वस्तु जीवों की संरचना, कोशिका और कोशिका अंग के कार्य, पूर्व छिपित जानकारी। बच्चे कोशिका नाम से अवगत है, बच्चे को छोटे बड़े जानवरों का पता है। और इसका सामान्य उद्देश्य क्या है? बच्चों को कोशिका से अवगत करना, बच्चों को जीवन का आधारभूत समझाना, विशिष्ट उद्देश्य कोशिका की संरचना समझाना, कोशिका के कार्य बताना। एक है सेल थ्योरी। सभी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है, छोटी छोटी सेल से मिलकर बनती है। और सभी लिविंग चीज़ें की कोशिका सबसे छोटी कार्यशील इकाई और सबकी सबसे छोटी यूनिट सेल होती है। और सभी कोशिका पहले से उपस्थित कोशिकाओं से डिवीजन विधि से बनाते हैं। ठीक है, फिर क्या है कोशिका की परिभाषा? कोशिका किसी भी सजीव की वो सबसे छोटी इकाई है जो सभी जैविक कार्य करने में सक्षम होते हैं। कोशिका के उदाहरण अमीबा, प्रोटियस, प्लांटिस्टिन, बैक्टीरिया, रेड ब्लड सेल, नर्व सेल, ये सब कोशिका के उदाहरण है। अमीबा, प्रोटियस, प्लांटिस्टिन, बैक्टीरिया, नर्व सेल, रेड ब्लड सेल। अब कोशिका के प्रकार, जीव कोशिका, ये सब कोशिका है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिया हुआ, एंडोप्लाज्म, रेटिकुलम, न्यूक्लियस, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम। पादप कोशिका, ये पादप कोशिका प्लांट सेल है। और प्लांट सेल में सेल वॉल होती है जबकि एनिमल सेल में नहीं होती है। सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, गोल्गी एपिडर्टिस है। कोशिका के भाग, कोशिका के चारों ओर कोशिका झिल्ली होती है जिसको इंग्लिश में सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। यह कोशिका के बाहरी परतें होती है जो कोशिका के बाहरी और आंतरिक आवाज वाही को नियंत्रण करती है। दोहरी परत होती है। कोशिका भित्ति ज्यादातर पादप कोशिका और जीवाणु में पाए जाते हैं। कोशिका को सहारा और सुरक्षा प्रदान करता है। कोशिका के अंदर केंद्रक होते हैं, कोशिका की क्रिया को नियंत्रित करता है। ये केंद्रक झिल्ली की मदद से कोशिका द्रव से अलग रहता है। इनमें डीएनए नाम के गुणसूत्र पाए जाते हैं। केंद्रक झिल्ली केंद्र के चारों ओर से घेरे रखता है। दोहरी परत से बना होता है। यह केंद्रक के अंदर दो की आवाजवाही को नियंत्रित करती है। और एक क्रोमोसोम होता है केंद्र में उपस्थित होती है और फिर डीएनए से बनते हैं। इनमें विशेषता और गुणसूत्र विराजमान होती है। साइटोप्लाज्म जेल जैसा मिश्रण होता है, कोशिका झिल्ली से घिरा होता है। इसके अंदर पंचाणुमय गुण होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये द्रव होता है जो कोशिका के अंदर चारों ओर घूमता रहता है।